Hello, good morning students. How are you all? Students, hope you all are fine. Students, now we are revising chapter. हम chapter का revision कर रहे हैं. Chapter first है. Chapter first आज revision करेंगे हम लोग. Numbers from 0 to 19, tens and ones, tens and ones. Okay students, tens and ones देखेंगे हम लोग. आपको सबसे पहले ये जानना है कि tens and ones क्या होता है, ठीक है? मान लीजिए हमने यहाँ कोई नंबर लिखा, टू डिजिट के नंबर, ठीक है? तो ये जो नंबर है ये इस ones प्लेस पे है और ये जो नंबर है tens प्लेस पे है, ठीक है? जैसे होता क्या है, यहां से वन, यहां देखिए वन्स और टेन्स, हमको दो ही डिजिट का देखना है. वन्स ये टू और ये वन. तो ये जो नंबर है जब इस साइड का नंबर आएगा तो वन्स प्लस आएगा, ठीक है? और इसके बगल वाला जो नंबर होगा डिजिट होगा और टेन्स होगा, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर होगा यहाँ पे तो वो टेन्स. जैसे यहाँ हम एक एग्जांपल लेते 22 23, तो 3 क्या है, वन्स की प्लेस पे है और 2 क्या है, टेन्स की प्लेस पे है. एक और एग्जांपल लेते हैं 96, तो 6 क्या है, वन्स की प्लेस पे है और 9 क्या है, टेन्स की प्लेस पे है, ठीक है? समझ में आया? तो इतना समझ में आ जाएगा आप लोग को. अब ये देखिए टेंस, वन टेंस, टेंस का मतलब क्या होता है? वन टेंस का मतलब होता है टेन, ठीक है? वन टेंस का मतलब होता है टेन. अब टू टेंस अगर लिख दें कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा. क्या थ्री टेंस लिख दें कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा. अब इस तरह से 4 टेंस 5 टेंस क्रम से चलता चला जाएगा. अगर हम कहें कि 4 टेंस माइनस 3 टेंस इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा? अब यहां हम ऑप्शन दे दें, ए 10, बी 20, सी 30. तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या लिख दिए सर. 4 टेंस का मतलब होता है, ये आपको पता होगा 40 होगा. 4 टेंस मीन्स 40, 3 टेंस मीन्स 30, 3 टेंस मीन्स 30. तो 40 माइनस 30 हो जाएगा, तो क्या आंसर होगा हमारा, 10, ठीक है? 10 होगा, होगा ना? ये हमने समझने के लिए बताया है आपको, ताकि टेंस समझ सके. ओके, और वंस, जो वंस ये जो इधर नंबर आएगा वंस के प्लेस पे उसको वंस कहेंगे, इधर जो नंबर आएगा उसको टेंस कहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आप लोग बुक में दिया है जब कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 है तो इसको बंडल कर दिया तो कितना हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा. कितना हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा. वो हो जाएगा 1 10 हो जाएगा. अब ये सिंगल है, अगर एक लाइन में सिंगल बना दे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो दोनों को ऐड कर दें, दोनों को प्लस कर दें तो कितना होगा, 11 हो जाएगा. ओके, टू टेंस प्लस
थ्री टेन कितना होगा फाइव टेन, फाइव टेन हो जाएगा। और टू टेन मतलब क्या होगा ट्वेंटी प्लस थर्टी इक्वल टू फिफ्टी, इट मीन्स फाइव टेन मीन्स फिफ्टी, समझ में आया। इस तरह से आपको चैप्टर रिवाइज करिए क्योंकि पीरियोडिक टेस्ट आप लोगों का शुरू होने वाला है 10 अगस्त से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।